हल्ला शोरगुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए सब्सक्राइब करें ग्रामीण न्यूज। मोहब्बत करने वालों के लिए तारीखें नहीं होती, बल्कि वे खुद ही एक दिन तारीख बन जाते हैं। दुनियाई रस्मों से परे, बेपरवाह, बेगरज होती है ये मोहब्बत। इस वैलेंटाइंस डे के मौके पर हम आपको एक ऐसी ही बेगरज मोहब्बत की मिसाल देंगे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसी के इश्क में कुर्बान कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमृता प्रीतम और इमरोज की। यूं तो अमृता प्रीतम का नाम ज्यादातर साहिल लुधियानवी के साथ लिया जाता है, क्योंकि अमृता ने आखिरी सांस तक साहिर से मोहब्बत की थी। साहिर भी अमृता को चाहते थे, पर इस मोहब्बत को नाम नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अमृता को जहन में रखकर बहुत सी गजलें और नज़में भी लिखी। साहिर को इस रिश्ते का मुकम्मल मुस्तकबिल नजर नहीं आता था। अमृता इसकी वजह से काफी उदास भी रहा करती थी। और इसी बीच अमृता की जिंदगी में इमरोज ने दस्तक दी। अमृता की इमरोज से मुलाकात अपनी किताब का कवर डिजाइन करने के सिलसिले में हुई। इमरोज के आने पर अमृता ने लिखा, अजनबी तुम मुझे जीवन की सांझ में क्यों मिले, मिलना ही था तो दोपहर में मिलते। इमरोज ने पूरी जिंदगी अमृता का साथ निभाया। हालांकि अमृता ने कई बार इमरोज को समझाया कि वो साहिर से इश्क करती हैं, उन्हें उनकी ये मोहब्बत कभी हासिल नहीं हो पाएगी। इमरोज अमृता से कुल 7 साल छोटे थे, और इसी वजह से अमृता को ये लगता था कि वो एक दिन उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। एक बार अमृता ने इमरोज से कहा, इमरोज तुम्हारी उम्र कम है, तुम एक बार दुनिया देख कर आओ, फिर अगर लौटना चाहो तो आ जाना। इस बात पर इमरोज ने अमृता के कमरे के 7 चक्कर काटे और कहा, लो देख ली मैंने दुनिया, मुझे अब भी तुम्हारे साथ ही रहना है। इमरोज की मोहब्बत को किसी अंजाम की परवाह नहीं थी। साहिर के प्रति अमृता के इश्क से भी उन्हें कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उनका मानना था अमृता का साहिर के प्रति लगाव जादू की तरह था, लेकिन उनके लिए मेरा ये प्यार वास्तविक है। इमरोज ने कभी अमृता को बांधने की कोशिश नहीं की, और ना ही कभी अपने इश्क का जिक्र किया। दोनों एक ही छत के नीचे 2 अलग-अलग कमरों में रहते थे। दोनों के बीच एक सकारात्मक दूरी थी, जो एक कलाकार के लिए बेहद जरूरी होती है। अमृता का उनके साहिर और इमरोज के रिश्ते पर यह कहना था कि प्यार को 2 तरीके से समझा जा सकता है, पहला आसमान की तरह और दूसरा सर पर छत की तरह। औरत दोनों को ही खोजती है। साहिर का प्यार मेरे लिए आसमान की तरह था, और तुम मेरे सर पर छत की तरह। इमरोज ने वाकई एक छत की तरह अमृता को हमेशा महफूज रखा। आखिरी दिनों में भी इमरोज ने अमृता की सेवा करने में खुद को पूरी तरह झोंक दिया, और एक बेगरज मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी। सन 2005 में अमृता ने इस दुनिया से विदा ले ली। इमरोज के घर का एक भी कोना अमृता की तस्वीर से महरूम नहीं है। इमरोज अब तन्हा रहते हैं, बस अमृता की दी हुई एक उम्मीद के सहारे। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहां कैसे पता नहीं, शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बनकर तेरे कैनवस पर उतरूंगी, या तेरे कैनवस पर एक रहस्यमयी लकीर बनकर खामोश तुम्हें देखती रहूंगी। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवस पर बिछ जाऊंगी। पता नहीं कहां किस तरह, पर तुझे जरूर मिलूंगी। या फिर एक चश्मा बन, जैसे झरने से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदें तेरे बदन पर मलूंगी, और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूंगी। मैं और कुछ तो नहीं जानती, पर इतना जानती हूं कि वक्त जो भी करेगा, ये जन्म मेरे साथ चलेगा। ये जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे
कायनात के लम्हों की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहां, किस तरह पता नहीं, पर तुझे जरूर मिलूंगी। देखिए ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।